आपको लगता है कि आपके पिताजी की छाप है कि आप खुद एक स्ट्रिक्ट फादर हाँ, हैं? ये तो सही बिल्कुल। अभी सनी बाबू भी मुझसे ऐसी डरते हैं, ऐसी मैं चाहता हूँ मेरे पास बैठे मुझसे बात करें। आज मुझे लगता है मैं अगर बाबू जी मेरे दोस्त भी होते तो कितना अच्छा होता। वी रियली मिस सर्टन थिंग्स। दोस्ती हो जाना बहुत जरूरी होती है। एक अब मैं मिस करता हूँ, कभी मेरे साथ बैठते नहीं, आते हैं पापा मैं चला, मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ पापा मैं, ऐसे करके जैसे मैं भी बैठ देखता था। वो कभी कभी गेट के पास उधर वॉचमैन से बात कर रहे हैं किसी के, तो बैठे कुर्सी पे अपनी वो छड़ी पे माथा टिकाए ऐसे कुछ सोचते रहते थे। तो मैं सोचा क्या बाबू जी क्या सोच रहे हो तुम, कुछ चाहिए भले बोलो ना। मैं तो कहने लगे नहीं बेटे, नौकर चाकर गाड़ियाँ बंगला सब कुछ है, क्या चाहिए मुझे, तुम जल्दी आ जाया करो शूटिंग से, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाया करो। फिर मैं गले से लगा के निकल जाता था और शाम को लौटता था तो मेरी माँ बिस्तर में ठुड्डी अपनी हथेलिया से लिखाए बैठी रहती थी। तो उनसे पूछता तो वही जवाब उनसे भी मिलता, वो उनको चाहिए थी कंपनी हमारी, वी शुड हैव उन, इस तरह था जैसे कि वो लाड हमें लड़ा दो जो हमने लड़ाया है। हमारे अंदर भी एक बच्चा खड़ा है, हाथ खोले बाहें खोले, इस बच्चे को उठा के सीने से लगा लो। आज जो मुझे महसूस होता है वो हर हर बाप के दिल में होता है, माँ के। लेकिन हम अपना वो दर्द भी उनको नहीं देते। उंगली पकड़ चलना सिखाया था जिनको, कदम उनसे मिला के चलना मुहाल हो गया। शिकायत यही रही होगी माँ बाप की मेरे भी मुझसे, काश इस एहसास ने उस वक्त जगाया होता, आज जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ माँ बाप का वो दर्द मिटाया होता।